गाजीपुर के एक गांव के ग्राम प्रधान का पति मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूल कर लोगों के साथ ठगी करने में जुटा हुआ है। गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के धुरवा अर्जुन गांव के तमाम ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान का पति विनोद राय पिछले एक साल से गांव वालों से मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूल रहा है। पिछले साल मई में गांव में एक बैठक कर ग्रामीणों को सरकारी राशन की दुकान से मिलने वाले अनाज को मंदिर निर्माण के नाम पर चंदे के रूप में ले लिया। इतना ही नहीं, पैसे भी लिए। एक साल बीत जाने के बाद भी ग्राम प्रधान ने जब मंदिर के गुंबद का निर्माण नहीं कराया तो ग्रामीणों को इस ठगी का एहसास हुआ। साहब, एक मई महीना का पूरा राशन ले दे गया दान का, कि नहीं गुंबज बनेगा। साल भर हो गया, वो गुंबज का पता नहीं चला और पैसा भी चला गया, उसका भी पता नहीं चला कि पैसा गया का प्रधान के जो। एक महीने का राशन आप लोगों ने दान दे दिया मंदिर पे? एकदम दान में छोड़ नहीं, अब तक बना नहीं, वो पैसा गया का। सर, जो है कि हम लोग जो कोटा का जो चंदा मांगे प्रधान जी, और कोटेदार से जो अपना ले करके चंदा वही महीने का अपना ले करके जो है कि रखे, और बनाने के लिए अभी आज तक बना नहीं। मन गुम्मत बनाने के लिए बोल रहे थे सर, अभी तक बना नहीं है। पता नहीं अब ये लोग खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, अभी इसके बारे में तो बहुत दूर के लोग आते हैं, हमारा पूरा गाँव आता है सर। इस पूरे मामले को लेकर गांव के कोटेदार का दावा है कि उसने सभी ग्रामीणों को नियमानुसार राशन उपलब्ध कराया था, जबकि लोग खुद ही गल्ले को चंदे के रूप में दे रहे थे, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। नहीं, ये प्रधान राशन के लिए तो नहीं कहे किसी से, हाँ जो राशन अपने स्वेच्छा से लोग दिए होंगे, उसमें जो इकट्ठा किए होंगे मंदिर समिति के लोग होंगे, वो लोग राशन अपना लिए होंगे, वो अनाज का डिमांड किए होंगे, तो प्रति घर से वो लोग अनाज किए हों, तो इस तरह की राशन दुकान की प्रणाली और इसमें मंदिर के प्रणाली से तो मतलब ये तो कोई बात नहीं खाती नहीं है। फिलहाल ग्रामीणों ने SDM से लेकर CM पोर्टल तक इसकी शिकायत कर दी है और इस मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गाजीपुर से न्यूज के लिए इकरार खान की रिपोर्ट।